अस्सलाम वालेकुम हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। हम लोग भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से है, लेकिन हमारी मशीन अच्छे से नहीं है। देखो, ये जो हमारा डिश वॉशर था ना, इसको हम लोग ने, पता है हम लोग का घर में चूहा आ गया था। आप लोग ने अगर वीडियो नहीं देखे लगे तो जाके देख लेना। इसने, ये चूहे ने इतने कारनामे करके रखा ना, बड़े बड़े, कहाँ से आ गया क्या मालूम। और ये वायर खा लिया, पीछे का मशीन का हिस्सा खा लिया। अब हमारे बर्तन ऐसे ही रखे हुए। ये एक्चुअली हम लोगों को भी नहीं मालूम पड़ रहा था, मशीन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, पानी बाहर पूरा फेंक दी थी, तो इसलिए हम लोगों को मालूम पड़ा कि चूहा आ गया है। चूहा फिर जब मशीन निकालने के लिए चेक किया कि ये हम लोगों को लगा टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट ये चूहे के कारनामे थे। तो ये सब हो रहा है अभी। पूरा हम लोगों का किचन पूरा मेस रखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी डिश वॉशर के बर्तन भी धोने हैं, ये बर्तन भी धोने हैं, खाना भी बनाना है। नाश्ता क्या हम लोगों का हो गया, बाहर से डोसा मंगा लिए थे, हो गया था। अभी देखते हैं हमारा लंच का क्या रहेगा। ठीक है, घर में पानी ना हो ना तो ऐसा लगता है किचन। नीलोफर आपा को कम बैक करके देख के आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो को। ठीक है, और अभी देखो आप लोग भी कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे। जैसे कि नीलोफर आपा कल चले गए थे अपने ससुराल, अभी वो वहाँ से शूट करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का भी रहेगा, वहाँ का भी रहेगा। तो आप लोगों को दो दो फैमिली में क्या क्या हो रहा है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल तो अभी हम लोग हमारा काम निपटा लेते हैं, फिर ये सब क्लीन हो जाएगा तो हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। क्योंकि इतना गंदा दिखाने नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये भी असलियत होती है भाई। ऐसे ही बना बनाया हुआ नहीं रहता है, सब चीज़ करनी पड़ती है तो क्लीन होता है ना। तो इसको हम लोग क्लीन करेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे। कैसा लग रहा है भाई बता देना कमेंट में। वो अपने आप को देख रहा है वीडियो में, चालू भी कर ली तो भी कैसा दिख रहा हूँ मैं। लड़के लोग अपने बाल हर एक सेकंड में, जैसा लड़कियों का निकलता है ना कि वो लड़कियां पूरे बाल बना लेती है लेकिन इतनी सी एक लट छोड़ देती है, तो लड़कों का भी ऐसे ही है। हर 5 मिनट में उन लोगों के हाथ, अरे भाई एक ही जगह रखो ना, इतना संभाल ले रहे। हम लोग ऐसे नहीं है। देखो चोटी इतनी टाइट डाल लेते ना कि रात तक मैं खोलूंगी नहीं, तब तक खुलेगी नहीं। तो क्या है, आज भाई की छुट्टी थी, मकर संक्रांति की वजह से। मकर संक्रांति है और कल पोंगल। यस, लेकिन कल तो संडे है तो नॉर्मल छुट्टी रहती है। मकर संक्रांति आज छुट्टी मिली हम लोग, सैटरडे संडे प्लान कर सकते थे अपनी, सैटरडे संडे छुट्टी मिली। नहीं हो पाता है रे प्लान, क्योंकि ऑलरेडी अभी सबका काम है, एक्चुअली सबका शेड्यूल बट टाइट है। नहीं, ये हम लोग को पता भी नहीं था। हाँ, अचानक से आ गया, अचानक से छुट्टी दे दिया, हम लोग को पता भी नहीं था। ये मतलब कंपनी वाले लोग को मालूम रहेगा, लेकिन एम्प्लॉइज लोग थोड़ा सा ये नहीं था, आँख नीचे खुले लोगों की। तो आज पछतावा, मैं कुछ कर सकता था, फ्राइडे नाइट ही किधर निकल गए थे। ये सारी छुट्टी जो आती है ना वीकेंड्स में, बहुत फायदेमंद होती है। खैर कुछ हम लोग इसका फायदा नहीं उठा पाए, कोई बात नहीं। अभी मम्मी भाई बोला कि मैं कुछ नहीं तो मम्मी की हेल्प भी कर लेता है ना। अम्मी क्या बना रही थी आज? खट्टी दाल बना रही थी। इसमें मम्मी ने मसूर की दाल लिया, लॉट्स ऑफ टोमेटोस, लॉट्स ऑफ, मतलब इसमें दाल का रेशियो कम होता है, टमाटर ज्यादा होता है। क्या यहाँ पर अम्मी ने चावल भी बनाने रख दिए, दाल है, और भी भाजी कौन सी बना रहे तुम? हरा कांदा और आलू की भाजी। क्या बोलते हैं स्प्रिंग ओनियन, हम लोग हरा कांदा बोलते हैं, वो स्प्रिंग ओनियन बनाएंगे। तो कौन भाई बनाने वाला है? क्या नहीं तो देंगे, मैं काटने का हेल्प करूंगा, जो नहीं आता वो नहीं कर सीखूंगा, लेकिन इंशाल्लाह। चलो अच्छी बात है, तुम इंडर भाई अब भी पूरा काम कर दो। अभी अभी मस्त वाली खिचड़ी बनाई मैं, तुम अच्छा ये ना ऐसा कौन कौन करता बताना। ये एक्चुअली दानियल मम्मी का नवाज से साहब आए थे, माशाल्लाह मेरे को बोला बिरयानी को फिल कर दे ले। सही में ना, ये जो खिचड़ी है ना एक ग्लास की है, मम्मी ने सिर्फ दानियल के लिए, दानियल की फरमाइश पे बनाए थे, लेकिन हम लोगों का जान पड़ा। कौन कौन है बच्चों के खाने पे जान डाल के रखता है, मतलब भाई ने तो खा भी लिया, बच्चे लोग का थोड़ा थोड़ा बनता है ना, अच्छा बनता है। यही अगर हम लोग डेक बन के हमारी खिचड़ी बनाएंगे ना, नहीं खाएंगे। मैं खाता हूँ खिचड़ी, एक से दो बार नहीं खाता कंटिन्यू। एक बार ऐसा हुआ कभी अचार के साथ, पापड़ के साथ, फटफट खा लिए, खला सही। भूख भी लगनी चाहिए, भूख लगी तो फिर और गरम गरम बढ़ जाता है। हाँ। अपना एपेटाइट और अच्छा हो जाता है। खाएंगे हम लोग अभी
फिलहाल तो हमारा खाना ये नहीं है। वही तो भूख लग रही है, एपेटाइट हमारी खिचड़ी हो या ना हो, एपेटाइट है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी इसको आप लोगों का अंजाम देना है। और आज मम्मी है ना, कल हम लोग इमली का अचार बनाना भूल गए थे, मैंने बोली थी उससे कि इमली का अचार बनाएंगे लेकिन भूल गए। दो ना मम्मी इमली, दो ना इमली की, हाँ कच्ची इमली वो भी मस्त इमली। मम्मी गाँव की इमली लेकर आए थे ना, मैं पहली बार सुन रहा हूँ इमली का अचार। मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ, नानी बनाते हमारी इमली के साथ क्या है वो मिर्ची नमक डाल के खाने का। ये देखो चिल्लाते वो फोन चालू तो करके बच गया बेटा। बाप रे बेचारे मम्मी को इतना समझाना पड़ रहा है, ये वाला कर ले वो वाला कर ले। मम्मी लेकिन चुप झेल कर ले ले रहे क्योंकि मैं जरा अभी शूटिंग कर रही हूँ इसीलिए। तो मम्मी है ना इतना मतलब वो करते ही नहीं है, 10 बार पूछते रहते ना तो मम्मी को चिढ़ आती है। मम्मी रख दे मैं कर लूंगी। लेकिन मम्मी बता रहे चलो अच्छी बात है। अब आया शौक से मैं काटता हूं, काट ले। ये बारीक काट कभी फरो ने भी इतनी बड़ी बात कर रहा था, फरो ने भी इतना बारीक नहीं काटी रहेगी। मम्मी का पीछे से इंस्ट्रक्शन आया बारीक काट थोड़ी बेटा, दूसरों में नुक्स मत निकालो समझे। आज की एक ज्ञान की बात देखो यहाँ पे हमारा किचन ऑल सेट है, सब चीज हो गई क्लीन हो गई ठीक है। पहले व्हाइट वाला काट के फिर डबल टेबल कर ले। ऐसा लग रहा ना ये जाते जाते ना मांडे कर ले बेचारा। ओके बहुत टाइम के बाद भाई ऐसा किचन में आके चॉपिंग वॉपिंग काम से नहीं सही में बहुत सबका शेड्यूल टाइट रहता है यार। और ये जो अच्छा लग रहा है क्या मोटा मोटा काट रहा है। अरे वो पकेगा तो हो ही है ना, पतला हो जाएगा। अच्छा वाह ऐसा बोला, खा मत डालो पकेगा तो हो ही जाएगा ना। और ये गांव की स्प्रिंग ओनियन है। मम्मी चावल से ऐसे दम हो गए, धुआं दिख रहा है मुझे। और आपके घर में क्या हालचाल है भाई बताओ। अपने भाई लोगों को ना था किचन में लेकर आ, ये मुझसे सीख लेना आप लोग कैसे अपने भाई लोगों को आप लोग किचन में ला सकते हो। ये ट्रिक ऐसा लोगों के सामने ना ज्यादा काम करते रहने का तो लोग खुद ही किचन में आ जाते, लेकिन उसमें भी एक है ये क्वालिटी। बचपन का बता ना लोग अपना, अल्लाह कान्हा में बता जरा अपने बचपन के। हमारे कान्हा में आप लोग सुनेंगे ना पागल हो जाएगी कि हम लोग इतने भूसे लोग थे क्या। फरो तो बचपन में एक बार फरो बीच में ना डरती नहीं थी, उसको एक बार किसी ने ना रूम में बंद कर दिए, छुपन छुपी कर रहे थे हम लोग, उसको रूम में बंद कर दिए। अब हम लोग को ढूंढ रही दरवाजा लॉक हो गया था ना अम्मी, हम लोग को भी बड़े होने के बाद पता चला हम लोग ऐसे तो कांड में कर चुके। जब हम लोग सोचे थे ना अरे हाँ यार ये चीज थी मतलब ऐसा हो गया था। और यहाँ पे मेरा दानो भी आया है, दानो उसको भी हेल्प करने का भाजी में बोलते हैं। अल्लाह मेरा बच्चा इसको भी बड़ा हेल्प करने का, जेनेटिक्स से लिख रहा है उसका, जेनेटिक्स से जेनेटिक्स उसको यहाँ किचन में लिख रहा है। तो यहाँ पे मम्मी की दाल भाजी बन रही है और यहाँ पे मम्मी ने मेरे को स्ट्रिक्टली वार्निंग दिए थे, स्ट्रिक्टली बहुत उससे मैंने ये इमली काटी हूँ। इसको एकदम सूखे में धो के ज़्यादा हाथ भी नहीं लगाने का, मैं ऐसा बताने में हाथ भी नहीं लगाने का क्योंकि ये अचार है, अपने हाथ कैसे भी रहते गीला मत करो इसको। अच्छे से एकदम सुखा के सूखी चाकू सूखी चॉपिंग बोर्ड ले के अच्छे से इसको काटो। और इसको है ना जो इसकी स्किन है ना ये इसके साथ और बीज भी ना मम्मी बीज के साथ ऐसा काट लो जैसा अपन अदरक काटते ना वैसा। तो मोटे मोटे डाइस्ड है, अभी इसकी मम्मी प्रॉपर रेसिपी बताएंगे। और ये रही हमारी स्प्रिंग ओनियन वाली भाजी, ठीक है हरी मिर्ची भी डाल देगा, हरी मिर्ची वाला रहेगा ना ये ज़्यादा तीखी हो जाएगी लेकिन इमली अच्छी है ना वो है खट्टी मीठी। हाँ अपने अंदाजे से सब चीज़ों को वो करो, मिर्ची कितनी लेना है उतना लो। आहा माशाल्लाह ये है हमारा पूरे टोटल इंग्रेडिएंट, इमली ला हरी मिर्ची साबुत ज़ीरा
एंड थोड़ा सा अच्छा दरदरा कुटा हुआ लहसुन, अखा है तो अखा भी ले लो, और नमक। कोई भी चीज़ को हम लोगों ने भुने नहीं, पकाए नहीं, जैसा नॉर्मली अचारों में करते वैसा नहीं, सब चीज़ कच्ची रहेगी। और इसको हम लोग पीस के अच्छे से एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। सब चीज़ का ध्यान रखना एकदम एहतियात से, गीला कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब चीज़ साफ़ सुथरे रहने चाहिए, जैसा अचार का ध्यान देते वैसे ही। दो चम्मच पिसा जाएगा मम्मी, ये मिक्सर वो नहीं होएगा ना, पिसा जाएगा ना, शार्प हो जाएगा खट्टे से। अच्छा, तो ये डरना मत, ऐसा मम्मी ने नॉर्मल वाला मिक्सर जार में लिए है, वही दरदरा दरदरा, ए जो अपन अखा अखा काटे थे ना वैसे इसको पीस ले रहे, नो पानी नो कुछ भी नहीं। चलो एकदम बारीक पेस्ट, एकदम बारीक, देख सकते हैं आप लोग, ये इतना जबरदस्त है ना, हर कोई भी खाओ भाई, खाने के साथ थोड़ा लेके बैठ जा। हाँ हाँ, और इसका मम्मी तेल गरम कर रहे हैं, ये तेल ठंडा हो जाएगा ना, जैसा अपन अचार में डालते वैसा डाल देने का, अच्छा डुबा देने का इसको, तो इसका जो प्रिजर्वेटिव वाली जो शक्ति है ना उसकी बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, देख के मेरे को एकदम अच्छा लग रहा है, बार बार चम्मच मत घुमाना, साफ सुथरा चम्मच एक रख के छोड़ो और झूठा मत करो, तो आपका अचार एकदम अच्छे से चलेगा, ठीक है। और ये रही हमारी दाल, एकदम टमाटर वाली दाल, और ये ठीक है, और ये मेरी मम्मी मिक्सर क्लीन करते हुए, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना है गाइस, अभी हम लोगों को हमारे पर्सनल काम है उसको ध्यान देना है, ठीक है। पर्सनल बोला जो थोड़ा बहुत ऑफिस का काम है, फिर हम लोग थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया क्योंकि डिश वॉशर का मसला निकल गया था, काम वाम करके थकान हो गई है, हम लोग सो जाएंगे थोड़ा सा खाना वाना खा के, फिर वही हमारा जो शाम में चाय वाय बनेगी, नमाज पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर देखते रात का क्या रहेगा। इसमें मम्मी सिर्फ तेल डालने का है ना, तेल ही डालने का ना सिर्फ, तेल ठंडा हो जाएगा ना उसको निकाल के कटोरे में निकाल लेने का, डब्बे में निकाल के उसी में तेल डाल के छोड़ देते, फिर चम्मच से लेने का आसानी हो जाती है। हाँ सही बोले। सो और कुछ बोलना है मम्मी? नहीं, बस आज के लिए ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई वीडियो और या अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई करना, कुछ भी नहीं, चार इंग्रेडिएंट है, पांच इंग्रेडिएंट है, और मस्त खाने में है ना मम्मी, खाने में मजा आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो हमारा चार पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करना ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहला पहुंचे, ठीक है। और अब हमें दीजिए इजाजत, हमें लगे आप लोगों को हमारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।